तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के। जी खुदा के लिए मेरे सब का ध्यान ना लो, जाओ। आसिया खुदा के लिए तुम तो मेरी बात सुन लो। दरवाजा खुला है जी। छेती जाए, दरवाजा बंद करना है मुझे। जा रहा हूं, चला जाता हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। तब तक आता रहूंगा जब तक आप लोग मुझे माफ नहीं करते। अब आए हो जब शाम ढल चुकी है, देर कर दी है तुमने लौटने में, बहुत देर कर दी है जमाने में। नन्ही रानिया को गोद में लेकर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम नहीं आए। आपी, आपी। मामू वो घर पर नहीं है। है? उनको तो घर पे होना चाहिए था। कहाँ गई? क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बात ही खुशी की है। मुझसे शेयर नहीं करेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो बताएं। एक्चुअली बात ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता बात क्या है। अरे लाइबा बेटा, मैं थक गई हूँ, जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ जी मामा, मैं लाई। हे, तुम बड़े खुश नजर आ रहे। जी बाजी, वैसे मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना खुश क्यों। तुम भी ना। बाजी क्यों ना आज शाम की चाय हम अम्मा जी के घर जाके पिए। क्यों, उन्होंने हमें बुलाया? नहीं, मोहल्ले वालों में तकल्लुफात कैसे, ऐसी मेरा जरा यही चाह रहा था। अच्छा अब चलो देखते हैं। नहीं देखते नहीं, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। नहीं हम चलेंगे बाजी, प्लीज। मैं तैयारी करके आ जाऊं। थैंक यू अपी, थैंक यू, थैंक यू प्यारी अपी, मेरे दीवाने हो तुम। अरे इसे क्या हो गया? पता नहीं मामा, खैर इन्हें छोड़ें। मुझे ये बताएं, फरहाद भाई का फंक्शन कब करेंगे? मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। बेटा ये मोना का फंक्शन हो जाए ना तो फिर हम डिसाइड कर लेते। अच्छा ये फरहाद नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? हाँ भाई काम से बाहर गए। ये कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं शाम की चाय के लिए, ये कैसा लगे? अरे कहाँ की तैयारी? ये बहुत चेक है, इसमें मैं थोड़ा बॉयश बॉयश सा लगूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें हुआ क्या है, कहाँ की तैयारी है? बाजी वो शाम को जाना ना। हाँ तो आप ही तैयार हो जाइएगा, हम चलेंगे, ठीक है ना? शाम को जाना है ना। राबिल जी, चुड़ैल का है वो? कौन चुड़ैल, इसकी बात कर रहे? अरे यार एक ही तो चुड़ैल है हमारे घर में, पुरानिया, कहाँ है वो? कितनी बुरी बात है, अच्छी बड़ी लड़की को चुड़ैल बोल रहे हैं आप। और वैसे भी वो इस वक्त दादी और असमा बुब्बू के साथ हालत हाजरे पर बहस कर रही है।
बस फिर तो ठीक है। सुनो तुम मेरे साथ शॉपिंग मॉल चल सकती हो? प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। अरे यार शॉपिंग मेरे साथ करनी है ना। आपकी शॉपिंग मैं क्यों करूंगी, लड़कों का मुझे थोड़ी पता है। अरे लड़कों की शॉपिंग नहीं करनी, सुन तो लो पूरी बात। अरे वो रानी है ना, उसके लिए कुछ चीजें लेनी है। अरे अभी तो दिलाए थे उसको कपड़े। हाँ वो तो एक ही दिलवाया था ना, घर में कितने सारे इवेंट्स हैं, अब वो एक ही ड्रेस थोड़ी पहनेगी हर इवेंट में, इसलिए चलो। ओ आज इतनी फिक्र क्यों हो रही है आपको उसकी? जैसा तुम सोच रही हो ना वैसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि झिल्ली सी तो है वो, अगर हम उसको ड्रेसेस नहीं दिलवाएंगे उसका जो दिल करेगा वो पहन लेगी और इंसल्ट किसकी होगी, हमारी, इसलिए। और वैसे भी यार बेचारी दादी के इकलौते भाई की इकलौती पोती है, इतना तो हक बनता ही है ना हमारा। तो ये बात है, यही बात है। और सुनो तुम जो जो चीजें शादी में लड़कियां पहनती है ना, लाइक सैंडल, ज्वेलरी, बैंगल्स, पता नहीं क्या क्या जो भी होता है, सारा कुछ तुम ले लेना। और उसे ये मत बताना कि ये सारी चीजें मैंने दिलवाई है। हाँ अभी यार शोकी हमारे की बात में, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जाके गाड़ी निकाले, मैं दादी को कपड़े लेकर आती हूँ। जल्दी आओ। ओके ओके। देखिए कपड़े तो हो गए जी, ड्रेस बस। मेरी ती जिंदी रहे, खुश रहे, खुश रहे। बेबो पुत्री मैंने दस के मेरा पिरा कैसा है, है? रिटायर जदों दा होया है उसके बाद काम की करता है? मैं ते जब उसको फोन करती हूँ एक ही गल कहता है कि आपा जी बड़ी मसरूफियत है, भाई केड़ा कारोबार शुरू कीता है उसने? हाय हाय अम्मा जी, कोई कारोबार शारोबार नहीं, बस सारा दिन लोग आते हैं उनके पास अपने मसले लेकर और इसी चीज में मसरूफ रहते हैं वो सारा दिन। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी शहजादी जड़ी है ना बिल्कुल अपने दादे पे गई है, देखो इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी। अम्मा जी बस करो बस करो, सर पे चढ़ जाना इसने ऐसे ही। भाई तारीफ तो बनती है ना, देख इतनी चंगी कुड़ी है ये, इतनी नेक, इतनी हमदर्द है। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह इसते नसीब अच्छे करे, जिस घर में जावे खुश रवे। आमीन। छोड़े ना अम्मा जी, कोई और बात करते हैं। अंकल जी किधर है? भाई ओ ते जदों दा इधर आया है लगदा है कि किसी कैब तो छुट के आया है। इतना खुश, इतना खुश, सारा दिन कभी इधर ते कभी उधर, बच्चा बन गया होते आके, मेरा काका हो गया होते। तौबा तौबा तौबा, और क्या हाल किया हुआ है, लगता है पिछले 20 साल से किसी ने इसको हाथ ही नहीं लगाया। ओए ओए कुदू, और मुझे एक बात तो बता, ओए सारा दिन वेला बांधा तू करता क्या है? ओए ये कुछ थोड़ा बहुत हाथ ही लगा लिया कर। ओए सुना, ओए ये सीमा तो मुझे कहती थी कि तूने पूरा घर संभाला हुआ है, ओए ऐसे संभालते हैं घर को? ओ भाईजान क्या हो गया, ये काम हमारे करने के थोड़ी है, क्या बातें कर रहे। वो है ना शहनशाह, ये कर लेगा सारे काम, इधर आ भाई चल। हम करेंगे, आज के दिन ये पानी ला दिया बहुत बड़ी बात है, अम्मा जी ने सख्ती से मना किया है, आज के दिन कोई काम नहीं सिर्फ पढ़ाई, पता ना वरना 13 प्रो ले लेगा वो मेरा। हटो। एल भाई उसके जूते देखे थे, तेरे मुंह से ज्यादा चमक रहे थे वो, हैं? तू यहाँ पे नवाब का बच्चा बन के घूम रहा है और मैं वहाँ 20 साल से खोते का पुत्र बना हुआ हूँ। अच्छा नहीं नहीं पायन, क्या हो गया, आप तो जज्बाती हो रहे, ऐसी बात नहीं है पायन। क्या है भाई जज्बाती, क्या मतलब है? हमाद, क्या है हमाद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, है किस काम के लिए भेजा था तुम्हें, इतनी देर इंतजार कर करके मैं खुद ही टोर आई हूँ। वो मैं असल में मैं भूल गया था, अभी ध्यान किधर है तुम्हारा कि मेरी बात भूल गए, रंग ढंग नोट कर रही हूँ मैं तुम्हारे। कोई रंग ढंग नहीं, बस मैं जा रहा हूँ आपका काम करने जा रहा हूँ। तो आप जल्दी से करके आइए। जी मैं जा रहा हूँ। वो हेलो भाईजान की यो कुछ शर्म कर, डूब के मर जा चिल्लू भर पानी में। ओए बड़े भरा के सामने तेरी बुड्ढी तेरी लतरोस करके चली गई है और तू मैं ये वो कर रहा है, ओए पूरे खानदान में नाक कटवा दिया तूने, है रन मुरीद ना हो तो। नहीं भाईजान मैं नहीं, नहीं बोबा। हेलो, इसका भी अभी फोन आना था। स्वीटी भाभी मेरा भी सलाम कहना। तेरा सलाम पहले दे दूं, अभी तो मैंने कॉल भी नहीं अटेंड किया। सबर कर।
हेलो स्वीटी डार्लिंग, कैसी है आप? हाउ आर यू? किथे हो भाई, इतनी देर से कौन क्यों नहीं उठा रहे? वो मैं कब से बैंक जा रही है, मैं फोन कर करके थक गई हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? ओ स्वीटी जी, मैं यही तो आपको बता रहा था कि मैं ना वॉशरूम में था। सबका एक ही जैसा हाल है, अमेरिका हो या पाकिस्तान, बीवी माफिया का तरीका है वारदात इक्को ही है भाई जान। मैं जब भी तुम्हें फोन करती हूँ तुम वॉशरूम में बैठे हुए होते हो, टमी ठीक है तुम्हारा? हाँ जी, और टमी तुम्हें बिल्कुल ठीक है मेरा, टमी को कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जरा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं फिर आपसे ना बाद में बात करता हूँ, मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया। चोरी से भागने की ना यही सजा होती है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो रही है ना तो वापस आ जाओ, फौरन वापस आ जाओ। स्वीटी जी कैसे वापस आ सकता हूँ, अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, और आपको पता है पाकिस्तान में मेडिसिन कितनी महंगी हो गई है। मैं ये कह रहा था स्वीटी जी, थोड़े से पैसे तो भिजवा दें। बात ही कंजूस हो गई। फाइनल हम पता क्या समझते थे, आप अमेरिका में ना $6 million मैंने, लेकिन आप तो शुक्र कर अल्लाह ने आज तुझे भी मौका दे दिया कोई बात बनाने का, वेला वांदा कर दा कुछ है। अच्छा दे, चल जा बुढ़ी का काम कर जाके। ਉਤਰੀ 4 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅੰਮਾ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਪਕੋ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੀਏ ਮੈਂ ਮੈਨੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਮੋਨਾ ਕੋ ਪਾਰਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੇਸ਼ਲ। ਲੈ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਸ਼ਲ ਕੇ ਲੀਏ। ਜਦ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਟੋਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਐ ਲੈ ਫੜ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ। ਚੱਲ ਬਸ ਇਨਾ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ। ਅਰੇ ਬਾਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਆਏ ਹੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੈਸੀ ਹੋ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ, ਆਜ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਵੀ ਯਹੀ ਬੇਤਕਲਫੀ ਹੋਤੀ ਥੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਜਬ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਤੇ ਥੇ। ਬੈਠੇ 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 ਬੈ ਜਾ ਬੈ ਜਾ ਕੈਸੀ ਹੈ ਨੀਲਾ? ਫਰਹਾਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਆਜ ਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਨੇ ਲਗਾ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੂੰਗੀ, ਆਏਗਾ ਆਪਸੇ ਮਿਲਨੇ। ਬੇਬੂ जल्दी जल्दी देखिए तो सी कौन आया है। रावेल के ससुराल वाले हैं, ये फरहाद की अम्मा जी और ये फरहाद के मामू, और ये मेरी पप्पू हैं बेबो, लेकिन सब कहते हैं कि मेरी बहन लगती है, लगता ही नहीं कि पप्पू हैं। लोग ठीक ही कहते हैं। वो आपने बताया ही नहीं कि आप अम्मा जी के इतने करीबी अजीज हैं। आपने क्यों नहीं बताया कि आप रानिया की बेबो हैं? एक सेकंड, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मगर कैसे? ये एक लंबी दास्तान है। अब तो इस दास्तान का पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, कई स्कूल में क्लास फेलोज तो नहीं थे हम दोनों? है तो नहीं, लेकिन लगा कुछ ऐसे ही है। चाय? शहंशाह आर्यन, सॉरी। आपकी इंस्टाग्राम की आईडी क्या है? लोनली बेबो। और आपकी? आई लव यू टू।
सलामुअलैकुम छोटे साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए खाना लगा दो। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ये बताएं बाबा आ गए? वो तो थोड़ी देर पहले ही आ गए थे, लेकिन जब से आए बिल्कुल चुप है और खाने से भी उन्होंने मना कर दिया। अच्छा चले मैं देखता हूँ। जी राबेल जी। अरे रुको ना, मेरी बात सुनो। ये जाके तुम रानिया को दे देना, उसको भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि ये गिफ्ट मैंने उसके लिए लिया है। मुझे अच्छी तरह पता है और उसे कुछ नहीं पता चलेगा। अगर उसे पता चल गया ना तो ये गिफ्ट लेने से साफ इनकार कर देगी वो। अच्छा बस सही है सही है, जाओ रूम में जाओ ना। जाओ सारी मामा। क्या हो रहा है मैडम? तपीर अंकल की शर्ट के बटन्स लगा रही हूँ। तुम कहाँ गायब थी सुबह से? ज्यादा देर नहीं लग गई शॉपिंग में? चेक करो जरा क्या क्या लेकर आई हूँ। अच्छा दिखाओ तो। ये तुम देखो, ये मैं देखती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ड्रेस है राबेल, तुम पे बड़ा सूट करेगा। और ये वाला तुम पे कैसा लगेगा? ये क्या, ये दोनों तो सेम सेम है। हाँ ना, एक तुम्हारा और एक मेरा। यार राबेल नहीं। रानिया प्लीज इनकार ना करना, इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, अगर इनकार करोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। राबेल ये तो बहुत महंगे होंगे। कहाँ ना, मेरा दिल टूट जाएगा अगर इनकार करोगी तो। अच्छा ठीक है फिर मैं ले लेती हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला ये मेरा फेवरेट कलर है? हाँ क्योंकि मुझे पता था कि तुम पे कलर बहुत सूट करेगा। इसका मतलब हम दोनों सेम सेम ड्रेस पहनेंगे। अच्छा जाओ जल्दी से जाके ट्राई करो और मुझे बताओ इसकी फिटिंग सही है तुम्हें। हाँ मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे रानिया और माहिर भाई की सोच कितनी मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों साथ में ना बहुत प्यारे लगेंगे। अल्लाह मियाँ जैसा मैं सोच रही हूँ ना प्लीज वैसा हो जाए। आमीन। अब चम्मच उठाए। चम्मच उठाए और उसे हिलाना शुरू कर दे। और उसे हिलाना शुरू कर दे। यानी देखचे के अंदर। हाँ देखचे के अंदर। अरे बाजी बाजी क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया? खैरियत? किचन में मैं खाना ही बनाऊंगी, कपड़े आयरन करने से तो रही। ओ, 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 बहुत नोटी होगी बाजी, आप बड़े जवाब दे रही हैं आज। अयास जो तुम बात करने आए ना वो करो, ये फालतू की तमहीद बांधना छोड़ दो। अच्छा आलू बैंगन गुड। बाजी वो रानिया की फूफो आई हुई है तो क्यों ना हम उनको चाय पे बुला लें आज। चाय? अयास की चाय तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती जा रही? कल उनके घर चाय पीने चले गए, आज कह रहे उन्हें चाय पे बुला लो। अब रानिया की बेबू है तो समझो मेरी ही बेबू है। आए प्लीज। खैर तो आप ठीक रहे हैं जी? जी प्लीज बैठे ना, इसे अपना ही घर समझे। प्लीज प्लीज मैं मामा को बुलाता हूँ। मामा मामा अरे मामा मामू। वो एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, क्या हसीन उसने इत्तेफाक है। आप ही का जिक्र हो रहा था अभी बाजी के साथ। बाजी कह रही थी कि वो रानिया की बेबो आई हुई है, इनको खाने पे बुलाओ चाय पे बुलाओ। बाजी आप कह रही थी ना, बताइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, रानिया को भी साथ ले आना। वो मैं तो बाहर लॉन में धूप सेक रही थी, ये फरहाद मुझे जबरदस्ती ले आया। अरे धूप शुभ आपके लिए नहीं बनी, आपके लिए तो साया छाँव पुरसुदा मुकाम वादियाँ चहचहाती चिड़ियाएं यूरोप का कोई मुकाम, काफी यूरोपियन फीचर हैं आपके गांव में रहते हुए भी। वैसे ना हमारी रबेल बहुत खुशकिस्मत है, उसको आप लोगों जैसे ससुराल जो मिला है। आप लोग ना बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो एक्चुअली मैं आपके लिए चाय बना के लेके आऊँ। नहीं नहीं अयाज तुम क्यों चाय बनाओगे, लाइबा को कौन वो बना कर लाती है। बाजी बाजी सारे घर के काम मैं करता हूँ तो चाय भी मैं बना लेता हूँ, इसमें क्या मसला है? और वो बहुत बुरी चाय बनाएगी, मैं बनाऊंगा अपने हाथ से। चाय के मामले में आपको मैं शिकायत का मौका आइंदा भी हरगिज़ नहीं दूंगा। तो मैं आता हूँ अभी, आप बैठिएगा, जाइएगा नहीं, सही है? बिजी रखें। चाय 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 गर्म पानी आलू बैंगन पानी पानी पानी।
मुझे तो लगता है कि अपने अरमानों के गुलशन को खुद अपने हाथों से ही जलाएंगे आप। तेरी फराज खुशी से हाथ पांव फूल रहे हैं, टेंशन से एक्साइटमेंट से हवास बास्ता हो रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है यार, ये क्या है? इस बीमारी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ। फिलहाल मेरी बात सुनो। हाँ। बाहर आपका खास मेहमान आया, उसको टाइम दे, कंपनी दे। अस्मो मेरा इंतजार कर रही होगी। अस्मो मैं आया, अस्मो जान में आया। क्या हुआ, आप चाय बन गई? नहीं नहीं बाजी, वो फरहाद बना रहा है। फरहाद कह रहा था कि मेहमान जो होता है ना वो फरिश्ते का रूप होता है, लेकिन आप फरिश्ता नहीं, आप तो हूर हैं। हूर हूर। क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे? खुले दीपा याद आ गया होगा। हाँ। हमें भी सुना दे। एक हाथी अपने बेड की दूसरी तरफ से गिर जाता था, तो कैसे गिरना बंद हुआ? उसकी फैमिली ने उसकी शादी कर ली। डबल बेड, यू नो, डबल बेड। एक हाथी का चालान हो गया, तो जब वजह पता चली तो पता चला कि जो ड्राइवर था वो कौन था? चूंटी। एक हाथी और उसकी गर्लफ्रेंड सुशी खाने। हाथी तो वेजिटेरियन होता है। लगता है आपको हाथी बड़े पसंद है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरे दोस्त ने किताब लिखी थी, हाथी मेरा साथी, उर्दू बाजार के करीब ही रहता है, तो वही किताब मैंने पढ़ी थी, वही मेरी लाइब्रेरी में है, अगर आप आए तो। अम्मा जी हिलना बंद करो, तुसी मेरी कसम। बस तेज लॉस लगानी है तुसी। हला ठीक है, मैं मोना को उठाने जा रही हूँ पार्लर से। हला तैयार कर दे हैं, पर तू हला डालेगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अम्मा जी, ओए अम्मा जी, इतनी देर हो गई, ताडे लोगों की तैयारी नहीं खत्म होने दी, एडी लंबी तैयारी, मन ते लगदा मुंडे वाले आ जाएंगे, ते असी लोग उसे तरह हाली तैयार ही नहीं हुए होवांगे। ते तेरे अपना बारे में की ख्याल है? की ख्याल है अम्मा जी, बिल्कुल मैं तैयार हां, बिल्कुल तैयार हां। ए तैयारी तेरी पुरानी पैंट ते उते ढिल्ली कई कमीज पाकर आ गए तू। ओए अम्मा जी, तुसी ठहरे नवाब लोग, और मैं बेचारा मजदूर आदमी, मेहनत करने वाला, अमरीका जना अम्मा जी ऐसे तरह ही हर जगह ते चले जाईदा, उत्थे साला साल तक लोग ना कपड़े शपड़े का ध्यान नहीं करते, किसी ने की पाया की नहीं पाया। बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही जावांगा। की मतलब है तेरा, असी भी उन्हां दी तरह बेफिक्रे हो जाइए हैं? ए तू भूल गया है केड़े मां प्यो दी औलाद है तू? जा जाके कोई चंगा जिहा सूट पा कर आई, ले आया है ना कोई सूट नाल अपने? अम्मा जी सूट पा के ना मेरा ना साह घुटिया जांदा है। अम्मा जी टिड्डे टिड्डे ठीक नहीं जानते, ऐसा की है? अच्छा अम्मा जी पा लेना वा। वैसे अम्मा जी मैं सदके जावा अपनी बात, ओए माशाल्लाह तैयार हो गए, तुसी बिल्कुल मलका आलिया लग रहे हो, यार दिल करे तानू अदावर्स करा, अदावर्स से मलका आलिया हाल कर रहे, चल जा। अच्छा गल गल सुन, इत्थे आके बैठ, गल कर जी। मेरी बात जी, दसो 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 भाई। ए मुंडे नू तगड़ी सलामी देनी, ते जदों सलामी देंदा होए ना ते उस वेले वीडियो बनानी है, क्योंकि कल कोई वो बंदा मुकर जावे ते साडे कोल सबूत होवे ते उहनां दी बूथी उत्ते ला के सुट्टांगे अस। हां भाई बशीरे, सुना, लग रहा हूं परफेक्ट। पर जी सरकार, आज तो आपकी हुसन की बिजलियां पता नहीं किस किस को जला देंगी। ऐसे क्या घनी और रोबदार मूछ लगाई शकीले ने? सर मेरा ख्याल है इन मूछों का वजन आपके वजन से ज्यादा होगा, इन्हें रहने दो सर। ओ क्यों रहने दो? ओ इनको लगाने के बाद तो मेरी ये लुक आई है, तुम देखना मेरे ससुराल वाले ना मेरे इंतजार पर मलाल कर रहे होंगे इस टाइम पे। सर इंतकाल पे मलाल होता है। वाह वाह वाह, ओए जबरदस्त भाई, बल्ले 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 है अम्मा जी भाई, बड़ा जबरदस्त इंतजाम है, वेरी नाइस। ऐड मेरी चॉइस है, अच्छी कैसे नहीं होती? वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। आए ना अम्मा जी, मेहमानों को मिलते हैं, मेहमानों को देखें।
वाह भाई, एक जैसे जोड़े, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम दोनों। राबेल सुनो सुनो, वो तुम्हें ना दादी बुला रही थी, इस तरफ गई है। हाँ मैं भी आती हूँ। अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? वहाँ नहीं, लड़के वालों के आने का टाइम है, उनको मेरे साथ वेलकम तो करो ना। लड़के वाले आ रहे हैं, कॉल की थी। हाँ कॉल आई थी। अच्छा ठीक है, फिर खड़े हो जाओ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरहाद नहीं आया? हाँ वो काम की वजह से आज भी नहीं आ सका, लेकिन इवेंट जरूर मिस कर रहा है वो। चले कोई नहीं, आप लोग तो आए ना। प्लीज ओके। ए रुक रुक, दुपट्टा भाई महंगा जोड़ा है। वाह हाय, मेरी तो वहां बैठे बैठे कमर ही रह गई। ऊपर से आपको मुझे लेकर आने के लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं मिली थी, उस गाड़ी में आई जिसमें एसी नाम की चीज ही नहीं थी। तौबा कितनी गर्मी थी। तू तो है ही ना शुक्रिया, अपने पल्ले से पैसे दिए मैंने, समझ आई? डिस्काउंट चल रहा था नॉन एसी गाड़ी पे। अच्छा सब ठीक है, गर्मी बहुत है, एक काम करें ऑर्डर करके ना ठंडा जूस मंगा ले मेरे लिए फ्रेश। मोना मैं तुझे वेटर नजर आ रही हूँ, चुप कर जा। ऑरेंज जूस की डिमांडे कर रही है, मूड ऑफ है मेरा। वो अम्मा जी से दरखास्त की थी खानदानी जेवरात में से 2-4 सेट ही दे दें, ठेंगा मिला है, कख नहीं मिला, सारा नकली पहना हुआ है, नजर तो नहीं आ रहा। सॉरी, गरीब आदमियों की बीवियां ऐसे ही होती हैं, गरीब गुरबा। मोना आइंदा तूने ऐसी बात की ना तो मैं लिहाज ही करूंगी, तू स्टेज पे बैठी हुई दुल्हन है, रख के चपेड़ मारूंगी और चप्पल से मारूंगी तुझे। एसी तक नहीं चल रहे मेरे म्यार के मुताबिक, यहाँ कुछ भी सेटल नहीं है अब्बा, सॉरी अब्बा। अभी नहीं, बाद में करेंगे ना इसका बंदोबस्त। हाय मैं मर जाऊंगा, मेरा मतलब है वाओ, बड़ा रूप शूप निकाला हुआ है। झूठ बोलने वाला इंसान दोजख की आग में सड़ेगा चची, तेरा ख्याल से। वेलकम वेलकम जी वेलकम। देखो देखो देखो, चाल देखो सर इसकी, कैसे चौड़े होके चल रहा है। मेरा खून खोल रहा है और तुम मुस्कुरा रही हो। मोना जो इसका हाल करेगी ना वो सोच के मुस्कुरा रही। देखो तो सही कैसे नकली मूछे लगा के आया, कार्टून लग रहा है बिल्कुल। भाई जाहिर है अब हर कोई मेरी तरह स्मार्ट हैंडसम और इंटेलिजेंट थोड़ी हो सकते हैं साले। बहुत ही गलत फहमी है भाई लोगों को, आपसे तो हजार गुना बेहतर ये खावर है। क्या ये चिंपैंजी मुझसे बेहतर? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब वो क्या है ना कि मैं सच बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी तो आप ही ने कहा ना कि झूठ बोलने वाले तो जहन्नुम में जाएंगे, तो सच बोलना पड़ा है। तुम्हारा भाई आज तो नींद पूरी करके आ जाता। तौबा है, बराबर में मैं बैठी हूँ इतना महंगा और महंगा मेकअप करवा के, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। मुझे देखने के बजाय तुम लोगों को देख रहे हो, मुझे देखो और मेरे अलावा किसी को मत देखो। ये जो मेरा दुश्मन है ना, दिल तो करे इसको तकलीफ से उठा के पाए फेंकवा दो। कौन? ये देख रहा है, मुझे देख रहा है तुम्हें। अरे ये मम्मी, तुम जानती हो ये माहिर चाहता ही नहीं था कि मेरी इस खानदान में शादी हो, इधर का दामाद बनूं। तो तुम्हें भी पता चल ही गया। लेकिन ये हमें ऐसे क्यों बोल रहा? मुझसे शादी करना चाहता था, मैंने मना कर दिया, उसके बाद काफी दिन तक पीछे पड़ा रहा, लेकिन मैंने फिर भी मुंह नहीं लगाया। और अब खैर से तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है तो जेलस हो रहा है, जेलस। पता नहीं क्या हो गया इसको। इग्नोर करो, हम ना अपनी पिक्चर्स लेते हैं, आ जाओ। चल 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 चल। क्या? अरे ये खावर मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? देखो। वाकई आज तो इसकी अकड़ खत्म नहीं हो रही। अब ऐसा करें,
जल्द से ना एक पेडेस्टल फैन का बंदोबस्त करें और एक चिंगम भी बड़ा वाला पैकेट। पेडेस्टल फैन, चिंगम, क्यों? सुभान बेटा माना कि दूल्हा दुल्हन इंपॉर्टेंट है लेकिन असली में मैंने खुद से यहाँ खड़ी जरा अच्छी थी पिक्चर लो हमारी सही है ना और वो व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट कर देना सही है मेरा ये एंगल ठीक नहीं आता मुझे यहाँ से लेना सारी पिक्चर्स हमारी लोग दूल्हा दुल्हन बैठे में ना सही ना उनका सेशन करो तो भाई दबे इंतजाम कैसे लगे आपको हमारे अच्छे ओ थैंक यू मगर आपको पता है हमारे यहाँ ना बाहर गली में टेंट लगा के सारे शादी ब्याह के मामलात निपटा लिए जाते हैं और यहाँ देखें छोटा सा मंगनी का फंक्शन और इतना पैसे का ज़िया अच्छा लगता है आप भी मेरी तरह सादगी पसंद है थोड़ी 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 कितने क्यूट लगती हैं बोलते हुए थोड़ी थोड़ी रेखो तो सर्विकल का प्रॉब्लम लग रहा है देखो तो उसे बेचारे की कैसे गर्दन अकड़ी हुई है जब का आया तो का अकड़ के बैठा कोई सर्विकल शर्विकल का प्रॉब्लम नहीं है ये अमीरी का प्रॉब्लम है अमीर आदमी ना ऐसे गर्दन अकड़ा के बैठते हैं लेकिन ये तो अमीर आदमी है ही नहीं बल्कि ये मुझे आदमी नहीं लगता ये तो मुझे बालों पलम बगला लगता है ले पेडेस्टल फैन तो मिल गया था च्युइंगम के लिए बहुत मुश्किल हुई यार अच्छा ला दो क्या प्लान है कुछ नहीं इसका प्लग लगा पीछे जाओ च्युइंगम च्युइंगम तो खाएंगे ना लगाओ इसको लगा 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 आओ जी आओ लेकर आओ आओ इसको लेकर आओ यहाँ पे रख दो हां ला रहा हूं देखो गर्मी लग रही है यार कब से बेचारा बिल्कुल मुंह के आगे रखो हवा आनी चाहिए बिल्कुल मुंह पे आ लगाओ 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 सालिक साहब पंखा ऑन करें बहुत गर्मी लग रही है और इसके सिर पे चुन्नी डाल देना तो कुड़ी से ज्यादा सोना लगेगा ऐसे लेते हैं बदला पिकले पिकले दबीर नहीं तो मेरे सबर का मेजरमेंट फुल हो जाएगा क्या हुआ आंटी इस टाइम मेरे फ्रेंड ना मैं बहुत गुस्से में आ फोन ही नहीं उठा रहा दबीर इसकी ये मजाल कि मैं ऐसे फोन करूं और ये फोन ना उठाए खैर मैं भी समझती हूँ ससुरालियों की चलाकियां मैं भी पाकिस्तानी हूँ कोई अमरीकन लड़की नहीं हूँ मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि अब मुझे चाहिए कि मैं पाकिस्तान चली जाऊं और पाकिस्तान जाके अपने ससुरालियों नू मजा चखाऊं कमान ओ कमान दी बच्ची मेरा देहाती लहू उबल रहा है माय विलेज ब्लड इज बॉइलिंग तू ऐसा कर तू ना मेरा टिकट अरेंज कर बात सुन खबरदार जो तूने कोई बात अपने दबीर अंकल को बताई तू मेरे भाई की लड़की है मेरी औलाद जैसी है लिहाजा तू मेरा साथ देखी समझी अब वो आंटी पर ऐसे तो 20 साल के बाद आए हो नासिर भाई लेकिन मुझे तो लगता है कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है कुछ भी नहीं बदला पायनो फैमिली फोटो बन रही है बुला रहे हैं आपको चल तू 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 चल मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ एक्सक्यूज मी जी नासिर भाई एक मिनट हेलो जी 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 स्वीटी जी थोड़ा मुस्कुराए प्यारे से बिल्ली तो बन के दिखाए अरे बिल्ली तो ये बन जाएगा लेकिन प्यारी बनना बहुत मुश्किल है One more. One, two, three, bye.
आप इतनी देर से आए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। बाबा नहीं आए, आपसे कहा भी था उन्हें लाइएगा साथ। एक्चुअली मैंने आपका मैसेज बाबा को दिया था, लेकिन बाबा की तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, इसलिए नहीं आए। तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उन्हें? मेरी बात करवाया आप उनसे? अरे नहीं नहीं, अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है उनकी। आप आराम से अपना ये जो इवेंट है इसे एंजॉय कीजिए, घर आ जाइएगा, बाबा से मिल भी लीजिएगा, उनका हाल चाल भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं कल ही आऊंगी उनसे मिलने। प्लीज। अच्छा आप आए, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। जी प्लीज आ जाइए। मुबारक होए जी, मुबारक होए थानू दोनों। रस्म हो गई। हाथ आगे कर। मुबारक होए भाई। ये देखो पूरे 10 तोले। 10 तोला? अब तो गेम शो में भी नहीं मिल रहा। साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे। देख रहे हो माद है, शादी से पहले ही सोने में लाद दी है, और एक मैं हूँ जद्दी पुश्ती बहू, निकी निकी चीज के लिए तरसती हूँ। अरे आपने कुछ दिया ही? खाली प्लेट है, मैं लेके आता हूँ। मैं खा रही। नहीं मैं लेके आता हूँ। कबाब, कबाब, फिश के कबाब, कोरमा, बहुत मजे का। खाए ना इतना सारा खाना, तुम नहीं खा सकते? अरे नहीं चखे तो, फिश के कबाब ले, फिश के कबाब। ये नहीं, हाँ ये बात, लेकिन ये फिश के कबाब खाए। मैंने आज तक सुना था कि लाहौर वाले बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं, मगर आज देख भी लिया। लाहौर के लोग जो होते हैं ना, वो टूट के मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ रहेंगी तो आपको मेरी बातों का अंदाज़ा होगा कि मैं किस कदर सही बात कर रहा हूँ। एक बात पूछूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? आपका मेयार ऊंचा या नीचा या कहीं बीच में? क्या मतलब है आपका, मैं कुछ समझी नहीं। ये तो बात मैं सोच रहा था कि आप जैसी हसीन लड़की को भला कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है। कंफर्म आप ही ने सबको लात मार मार के साइड पे किया होगा, है ना? मैं ये ऐसे मान नहीं सकता, दिमाग में आई नहीं रही ये बात। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने ना मेयार शहर नहीं ऊंचा मेरा, मगर मुझे खुदगर्ज और लालची लोगों से ना शदीद नफरत है। सही कह रही हैं। आपको पता है मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए ना आज तक, जी सबने मियाँ जी से उनके घर मकान जायदाद कारोबार ये सब कुछ पूछा, जिस इंसान की तो कोई कदर ही ना हो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी कितनी नेक सोच है आपकी, दुनिया कितनी मटेरियलिस्टिक हो गई है, लोग दौलत के पैमाने पे लोगों को तोड़ रहे हैं। लालची हो गया इंसान, इंसान इंसान का दुश्मन है, राइट? ये खाए ना ये कोरमा, बहुत मजे का है। मैंने सुना है आपकी भी शादी नहीं हुई अभी तक, तो आप वजह बताना पसंद करेंगे? वो एक्चुअली आपकी मेरी कहानी तकरीबन एक जैसी है। मैंने रिश्ते भेजे, वो पूछते हैं कि लड़का करता क्या है, गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, लड़की को गाड़ी देगा, ग्रीन कार्ड है या नहीं है, फिर इस बात पे आके गोट अटक जाती है कि मैं बाजी के घर पे रहता हूँ, बाजी को जो घर मिला हुआ है वो कंपनी से मिला हुआ है। समझ नहीं आती कि उनको क्या जवाब दूँ जो उनको पसंद आए। आपको पता है मुझे तो लगता है कि ये दुनिया ना आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। हा? हमें ना बहुत पहले इस दुनिया में आना चाहिए था, जब अच्छे इंसान की, नेकी की, शराफत की कोई कदर होती थी। अब ठीक कह रही है, लगन सच्ची हो ना तो तलाश तलाश नहीं रहती।
तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।